थोड़ी हवा भरनी थी भाई। हाँ हेलो पापा, खुद ही भर लो। तो ये भागा हुआ कोई पुलिस अफसर है क्या? बात है भाई, बहुत गौर से देख रहे हो। क्या मेरी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है? हाँ लगती तो है। क्यों भैया, क्या आपको भी मेरी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है? अरे भाई, दुकान पे ना जाने कितने लोग आते हैं और जाते हैं, सबकी शक्ल याद रखूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। चलो चलो हफ्ता निकालो साहब। कमाई हुई नहीं तो हफ्ता किधर से दूं? अरे कमाई नहीं हुई तो हो जाएगी, लेकिन तेरे को तो हफ्ता देना ही पड़ेगा। कम से कम 100 रुपया देना होगा। नहीं साहब, 50 रुपया। 50 रुपए ली तो ठीक है, बाकी के 50 रुपए की राखियां ले लेता हूँ। साहब अपनी बहन से मुफ्त की राखी बनवाएंगे का? साला बकबक करता है। इसको छुट्टी करने से रोकता है। अबे फोकट की राखी बहन भाई को बांधेगी ना तो ये राखी का धागा पवित्र हो जाएगा। एक तो ये हफ्ता नहीं देता है और ऊपर से तू फोकट का बोलता है। ऐसा रख के दूंगा ना पीछे से कमर पे तेरे के सीधा नासिक के नदी में जाके गिरेगा, क्या समझा? बहुत ताकत है तेरे लात में। अबे मैं लात मारूंगा ना तो उल्टा बंबई के समुंदर में जा गिरेगा तू। तू मेरे को लात मारेगा? हवालदार को लात मारेगा? अरे हवालदार को ड्यूटी करने से रोकता है तू। जा इला। चलो रे चल। समझता है? अरे वाह, अरे हवालदार को राख देता है। अरे क्या समझता है क्या अपने आप को? अरे क्या समझाता है तू? हवालदार से लड़ता है तू? तुझे बंबई के समुंदर में डालने जा रहा था मुझे तू। तो अब पड़ा रे नासिक के नदी में ठंडा। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था, हालात का मारा हुआ हूं मैं।